Hello and namaskar and welcome back to another round of memory tricks. I've had a lot of good feedback on the memory sessions that I've been taking, and one of the comments in one of the sessions told me ki sir tedious pe ek bar please kuch aisa video banaiye. To aaj hum usi ka ek attempt karne ja rahe hain. But of course I'm sure you're aware, listen, tedious is a very very lengthy topic and tedious ke bahut sare sections hain. In my normal comprehensive batch main isi tedious ke sections ko yaad karate karate कम से कम 3 घंटे लगाऊंगा एंड इट विल बी डन ओवर 2-3 डेज. बट आई एम श्योर इफ यू डन इट वंस विद मी टू बी एबल टू लर्न द ट्रिक्स ऑन हाउ टू मेमोराइज दिस एंड देन टू मेमोराइज दिस चार्ट, यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सो वेलकम टू टिकटॉक टैक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट फॉर टीडीएस टुडे. ओके, सो व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस ऑफ कोर्स इज द गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स टू सर्टन पीपल हु आर मेकिंग पेमेंट्स इन इंडिया. इन सिंपल इंग्लिश, कुछ लोग होते हैं जो पेयर कहलाते हैं और ये पेयर्स कुछ पेमेंट्स करते हैं और कुछ पेमेंट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप लोग इनका टैक्स काट कर इनको पूरा पेमेंट दीजिए ही मत, डिडक्ट देयर टैक्स एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट. नाउ दिस इज बेसिकली अ टैक्स रिकवरी मैकेनिज्म एंड इट्स बीन वेरी इफेक्टिव. क्योंकि होता क्या है कि अगर पेई के पास पैसा पहुंच गया, जैसे इंप्लॉई के पास सैलरी पहुंच गई या अन अकेडमी से मेरे को मेरा पैसा मिल गया, तो खुद जाके टैक्स जमा कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. लेकिन अगर अन अकेडमी मेरी पेमेंट पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को ही दे देगी या इंप्लॉयर इंप्लॉय की सैलरी पे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ही दे देगा, तो फिर ईमानदारी चेक नहीं होगी ना मेरी भी और इंप्लॉयज की भी, बिकॉज द टैक्स इज ऑलरेडी रीच द गवर्नमेंट. सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, दैट रिकवरिंग टैक्स ऑफ द पेई फ्रॉम द पेयर. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये पेयर ये टैक्स जमा नहीं कराता तो क्या होता है? तो बेटा आपको पता है, ही इज ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट, और इसको क्या क्या लगेगा? पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस एंड समटाइम्स प्रोसिक्यूशन, जेल भी डाला जा सकता है. एंड देन द मोर डेडली वन, पेयर के कुछ खर्चे जो बिजनेस में होते हैं वो भी डिसअलाउ हो जाते हैं. अगर आपने टीडीएस नहीं काटा ऐसे खर्चे पे जो आप बिजनेस एड में क्लेम कर रहे हैं, यू विल बी डिसअलाउड दैट एक्सपेंडिचर एज वेल. बट दैट ऑफकोर्स इज What happens if you don't deduct TDS? What we are here to discuss is TDS कब कब कौन सी पेमेंट पे किस किस को किस रेट पे काटना पड़ सकता है. So when I look at the first list over here, you know, to be able to memorize anything, you need to have an image. You need to have, आपके दिमाग में एक thought process चल रहा होना चाहिए, एक image चल रही होनी चाहिए, एक sequence चल रहा होना चाहिए. ये sections मैंने ऐसे sequence में डाले हैं कि वो याद करने थोड़े आसान हो जाए. And as students or as anyone in the practical world, even consultants, it's always nice to know without having to open the book. So memory में data load कैसे करें? अब आप यहां देखोगे इस list में आपको कुछ बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही हैं red color में. That is to segregate the sections. अच्छा, before I start, I am not covering 100% of the sections here. मैंने 194Q, 194O, 194R, 194S ऐसे कुछ sections नहीं cover करें. This video is to try and take you through about 70% of the TDS sections. Now, यहां पर ये बड़े-बड़े sections में आप देखोगे, यहां red में लिखा मैंने, यहां black में लिखा, ये फिर दो red में आ गए, ये फिर तीन black में आ गए, and suppose तीन red, फिर तीन black. And if you can notice, ये वाली lines बड़ी-बड़ी नहीं जा रही हैं, मतलब ये छोटी-छोटी lines हैं. So which helps you segregate the sections inside your mind. So if we just start, if you look at the list. आपको दिख रहा है 192, फिर उसके बाद एक लाइन आ रही है और उसके बाद दिख रहा है 193, 194, 194A, फिर आ रहा है बी एंड बीबी, फिर आ रहा है डी, 194G, 194H. सो क्या हो गया? 192, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194D, 194G, 194H. नाउ यू शुड बी एबल टू सी दीज सेक्शंस इनसाइड योर हेड आफ्टर योर आईज आर क्लोज. आंखें बंद करके यहां दिख रहा होना चाहिए ये इमेज. सो इसको देखो एक बार, जस्ट लुक एट द इमेज फॉर 2 मिनट्स एंड लेट्स स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द सेक्शंस. चलिए सर, उसके बाद एच के बाद आई, आईए, ना आई के बाद आईबी, और फिर आ रहा है हमारा जे. सो 194 आई, आईबी और जे, आईए अब आता है, आईए चलिए सी. सो आईए चलिए मतलब एल ए सी, 194C, एंड देन लास्ट में देयर इज 195 एंड 194E. नाउ टू बी एबल टू गेट द सेक्शन लिस्ट फटाफट, 192, 193, 194, 194A,
फिर पॉज लो, ब्रेक लो, बी 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 टेक अ पॉज, डी जी एच पॉज, आई आई बी जे पॉज, आई ए एल ए सी 95 and 194 E. Now, once we've gotten the section list in our minds, beta, then we go and check ये section कौन सी payment cover करते हैं. 192 में salary पे TDS deductible है. So 192 salary, 193 interest on securities, 194 dividend, 194 A interest other than interest on securities. So 193 में company जो debenture या government bonds पे payment हो रहा है interest का, उस पे TDS है. 194 में डिविडेंड जो दे रहा है कंपनी दे रही है उस पर टीडीएस है. 194 ए में कोई भी और इंटरेस्ट हो, इट कुड बी बैंक ने आपको दिया, आपने किसी को लोन दिया उसने आपको ब्याज दिया, उसको टीडीएस काटना है. अभी हम सिर्फ पेमेंट के रूल्स कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू पुट इन फोर फिल्टर्स इन योर हेड आफ्टर वी मेमोराइज दैट लिस्ट, बट फॉर दैट वी विल हैव अनदर वीडियो ऑन हाउ टू यूज दिस डेटा जो हमने अपलोड करा है टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. उसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं. अभी पहले डेटा अपलोड कर लें. दिस वीडियो इज अबाउट लोडिंग द डेटा. सो 194 बी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी. एंड यहां सिर्फ लॉटरी नहीं, लॉटरी में बहुत कुछ आ रहा है. क्रॉसवर्ड पजल्स आ रहा है, कार्ड गेम्स आ रहा है, बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस आ रहा है ना, टीवी गेम शोज आ रहा है. सो लॉटरी की डेफिनेशन में बहुत कुछ और आ रहा है. सो टीवी गेम शोज, केबीसी पे प्राइज जीत करोगे, जीतोगे तो 194 बी आ रहा है. देन 194 बी बी टॉक्स अबाउट विनिंग्स फ्रॉम horse races and only horse races. In 194 D is insurance agents commission. Insurance companies अपने agents को commission देती हैं क्योंकि वो उनकी policies बेच रहे हैं उस commission पे. अभी sir D, G और H तीनों commission के sections हैं, पर इनमें differentiate कैसे करें, भूल जाते हैं कई बार. So D for death, death for insurance. अच्छा उसका death से कोई लेना देना नहीं है, पर याद करने के लिए memory trick है D for death, death for insurance, insurance agents commission. सर जी, जी इज फॉर लॉटरी एजेंट्स कमीशन. अरे लॉटरी का प्राइस जीत रहे हो तो 194 बी है. लॉटरी वालों ने जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने एजेंट्स को कमीशन दिया है उसके ऊपर 194 जी आ रहा है, एंड दैट इज लॉटरी एजेंट्स कमीशन. अब इसको कैसे याद रखेंगे सर? जी फॉर गोल्ड, गोल्ड फॉर लॉटरी. हाँ हाँ मुझे पता है कोई लेना देना नहीं, पर जी फॉर गोल्ड, गोल्ड फॉर लॉटरी, एंड एच इज अदर कमीशन. सो एंड द बैलेंस इज 195 एंड देयर इज 194 ई. टू अंडरस्टैंड दोज हम अगले फिल्टर पे चलते हैं. तो हमने पहला फिल्टर डाला पेमेंट कौन सी किस सेक्शन में कवर्ड है. उसको अगर फटाफट बोलेंगे 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 डिविडेंड, 194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 बी लॉटरी की विनिंग्स, 194 बी बी विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, डी इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन, जी लॉटरी एजेंट्स कमीशन, एच अदर कमीशन, आई रेंट फॉर लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, 194 IB land and building only in case of individual HUF, 194 J professional fees, technical fees, royalty, non-compete fees and director fees. Then is 194 IA transfer of land and building other than agricultural land, LA compulsory acquisition of land and building other than agricultural land, 194 C works contract, and then there is 195 and 194 E. But yahan par chalne ke liye agla filter aata hai. ये वाला फिल्टर मैं अभी इस वीडियो में नहीं करा पाऊंगा बिकॉज दिस विल टेक अ लिटिल टाइम. इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करेंगे, अभी हम लिस्ट याद कर रहे हैं. अब आप देखोगे ये सारे सेक्शंस तब टीडीएस काटने को बोल रहे हैं अगर पेई रेजिडेंट है, विच मींस इफ यू लुक एट द पेई इन दिस केस, इफ द पेई इज अ रेजिडेंट तो सेक्शन अलग है, इफ द पेई इज अ नॉन रेजिडेंट सेक्शन अलग है. सो व्हाट यू नीड टू नोटिस इज कि पेई का रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेई कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है. पेई का रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू गो एंड लुक एट द सेक्शंस बच्चों, व्हाट इज इट गिवन ओवर हियर. अगर आप नोट करोगे सारे सेक्शंस तब लग रहे हैं अगर पेई रेजिडेंट है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पेई रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो तो उसी सेक्शन में टीडीएस कटता है. लेकिन जो बैलेंस पेमेंट्स है, ऑल बैलेंस पेमेंट्स नॉन रेजिडेंट की आर कवर्ड बाय 195. एंड एक है 194 ई विच इज फॉर नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन स्पोर्ट्स पर्सन. इंडिया में जो स्पोर्ट्स पर्सन और एंटरटेनर्स आते हैं जो बाहर से, जैसे जस्टिन बीबर जी का कॉन्सर्ट हो गया इंडिया में, या आपके रिकी पॉन्टिंग जी इंडिया में आईपीएल के लिए कोच है, या कोई स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, इन सबको जो पैसा मिल रहा है उसके लिए टीडीएस कटेगा 194 ई में. नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे गेम खेल के कमाया,
चाहे एडवर्टाइजमेंट से कमाया, चाहे आर्टिकल लिख के कमाया, दैट कम्स इन 194E. ठीक होगी बात. लेकिन सर अगर नॉन रेजिडेंट को सैलरी दे रहे हैं तो उस पर 192 में ही कटेगा टीडीएस. अगर नॉन रेजिडेंट ने लॉटरी जीती उसका टीडीएस 194B में ही कटेगा. नॉन रेजिडेंट ने विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस करा तो वो भी 194BB में ही कटेगा. विच मीन 192, 194B, 194BB. चार्ट को देखो, वहां पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों कवर्ड. लेकिन अगर मैं कमीशन नॉन रेजिडेंट को दे रहा हूं तो 195 लगेगा. अगर मैं रेंट नॉन रेजिडेंट को दे रहा हूं तो 195 लगेगा. अगर मैं रेजिडेंट को दे रहा हूं तो 194I लगेगा. सो सेकंड फिल्टर इज द पेई फिल्टर. सो एक बार पेई फिल्टर खत्म हो जाता है देन वी कम टू द रेट फिल्टर. अगर टीडीएस कट रहा है तो किस रेट पे कटेगा. तो सैलरी में स्लैब रेट है बेटा, यानी आप जो सैलरी पे टीडीएस काट रहे हो इट इज एट स्लैब रेट. सो यू विल कैलकुलेट सैलरी इनकम एंड फाइंड आउट कितना टैक्स बनता है उस पर टीडीएस काटोगे. बट अब आप देखो मैंने सीक्वेंस क्या डाला, 193, 194, 194A. कितना आ गया, 10, 10, 10. 194B and BB, 30, 30. 194DGH, 5, 5, 5. Now if you remember the sequence and write it down 5 times and you remember this chart, फटाफट अगर मैं पूछूंगा अरे बोलो 194B का क्या रेट है, 30% है सर. 194D का क्या है, अरे सर 5% है. 193 का क्या है, 10% है. सो रैंडम एक्सेस हो जाएगा इफ द इमेज इज लोडेड इनसाइड योर हेड. देन वी कम टू 194I बेटा. अब यहां प्लांट एंड मशीनरी के किराए पे रेट 2% है, बाकी किराए पे 10% है. सो बिल्डिंग का किराया 10%, फर्नीचर का किराया 10%, लैंड का किराया 10%, प्लांट एंड मशीनरी का किराया 2%. 194IB में वो जो लैंड एंड बिल्डिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस काटेंगे तो 5% होगा. 194J में रेट है 10%, बट टेक्निकल सर्विस के लिए और रॉयल्टी फॉर फिल्म्स के लिए और कुछ कॉल सेंटर पेमेंट्स के लिए 2% है. तो अब इसको कैसे याद रखेंगे सर, IIBJ, आई में 210, IB 5J 10 2. सो 210, 5 and 10 2, 210, 5 and 10 2 सीक्वेंस याद कर लो. तो फटाफट बोलो प्लांट एंड मशीनरी का रेट ऑफ टीडीएस क्या बेटा, 2%. सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का क्या है, अब दिमाग इमीडिएटली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193, 10%. सर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी का क्या है, सर 194BB, 30%. सर अगर नॉन रेजिडेंट ने लॉटरी जीती तो 195 लगेगा या 194B लगेगा, आस्क योरसेल्फ. बी लगेगा सर, वेरी नाइस. 194IA आ गया बेटा 1%, 194LA आ गया 10%, एंड 194C इज फॉर द फर्स्ट टाइम. आप देखो कि कोई भी रेट यहां पर ये नहीं बता रहा पेमेंट आप किसको कर रहे हो. आप ये पेमेंट इंडिविजुअल को कर रहे हो, आप ये पेमेंट कंपनी को कर रहे हो, आप ये पेमेंट फर्म को कर रहे हो, रेट ऑफ टीडीएस रिमेंस द सेम. बट इन 194C इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ रेट इज 1%, टू अदर्स इज 2%. सो पहली बार टीडीएस का रेट इज डिपेंडेंट अपॉन किसको पेमेंट कर रहे हो. इंडिविजुअल एचयूएफ 1%, बाकियों को 2%. सर याद कैसे करेंगे, सर यहां कितना आ रहा था, 1%, 10%, 1 और 2. तो चलिए सीक्वेंस, स्लैब रेट 10 10 10, 30 30, 5 5 5, 2 10, 5 10 2, 1 10 1 2. नाउ 195 में ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट रेट्स, बट जनरली हम कहते हैं MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टीडीएस कटता है. कुछ सेक्शंस हैं जहां अलग है, वो बाद में बात करेंगे. और 194E में कटेगा टीडीएस एट द रेट ऑफ 20%. और एक बात याद रखोगे, टीडीएस के रेट्स पे सरचार्ज और सेस नहीं लगेगा. टीडीएस के रेट्स पे सरचार्ज और सेस नहीं लगेगा अनलेस नॉन रेजिडेंट को पेमेंट हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें लॉटरी रेजिडेंट ने जीती तो 30% टीडीएस कटेगा, पर अगर लॉटरी जीती नॉन रेजिडेंट ने तो 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल टीडीएस कटेगा. हाँ सिर्फ एक सैलरी का सेक्शन है जहां पेमेंट रेजिडेंट को हो रही है या नॉन रेजिडेंट को हो रही है बेटा, सरचार्ज और सेस लगेगा ही लगेगा. सो दिस हैपेंस टू बी आवर थर्ड फिल्टर फॉर रेट्स. नाउ वी कम टू द अमाउंट्स फिल्टर. सो मिनिमम अमाउंट, अब सैलरी में अगर आप सैलरी पे कर रहे हो और वो मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब से कम है तो बेटा इंप्लॉई के हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा. सो इंप्लॉई के लिए इट हैज टू बी टैक्सेबल, ओनली देन विल टीडीएस बी लायबल. सो स्लैब रेट से ज्यादा होगा तो आपको टीडीएस काटना है.
फिर कई बार क्या होता है स्लैब रेट से ज्यादा है पर 5 लाख तक 87A का रिलीफ मिल जाता है रेजिडेंट्स को, तो उनका भी टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि टैक्स नहीं बनेगा, बिकॉज सैलरी पे पूरे इनकम पे टैक्स लगता है, सैलरी इनकम पर। देन 193 में 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। दीज लिमिट्स आर पर एनम पर पे, यानी एक कंपनी एक बंदे को अगर साल में 5,000 से ज्यादा ब्याज दे रही है तो टीडीएस काटना है। ऑफकोर्स देर आर सर्टन एग्जेम्पशंस, देर आर सर्टन डिटेलिंग दैट विल नीड टू बी डन, पर वो 15 मिनट में कितना कितना करवाओगे मेरे से, यहां पर मैं मोटा मोटा सेक्शन दिमाग में डाल रहा हूं। जैसे आपको पता है 193 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है, पर अभी हम सिर्फ मोटा मोटा सेक्शन दिमाग में और डेटा दिमाग में लोड कर रहे हैं। एंड इफ यू लाइक दिस एंड यू वॉन्ट मोर ऑन टीडीएस, प्लीज पुट इट इन द कमेंट एंड आई विल मेक श्योर कि अगले सीक्वेंस के वीडियोज आए on how to answer question on TDS by utilizing this data as well. But agar comment mein likhoge to 194 mein dividend ka bhi 5000 se zyada hoga to TDS katega, and 194A mein bhi 5000 hai par FD fixed deposit aur recurring deposit pe the limit becomes 40,000 and senior citizens resident honge to 50,000. To agar aap dekhoge 192 mein slab rate aa raha hai, fir 5 5 5, FD ka 40,000 aur RD ka 50,000. चलते हैं आगे, बी और बीबी में कितना आ गया 10 10,000, 10,000 ईच। तो देखो सीक्वेंस बन रहा है 192, फिर 5 5 5, फिर 10 10। नाउ डीजीएच देखो 15 15 15, ऐसे थोड़े मैंने सीक्वेंस में डाला, कुछ सीक्वेंस होगा याद करने का, तो 15 15 15। तो अगर आप मैं आपसे पूछूं फटाफट, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस ऑन 194 डी जी एच? 5 5 5 5% सर। कितने अमाउंट से ज्यादा है सर? 15 15 15 15 से ज्यादा सर। 194I में कहता है 2,40,000 पर एनम पर पे फॉर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स, यानी एक ही बंदे को अगर मैं लैंड बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी का किराया दे रहा हूं वो मिलाकर पूरे साल में अगर एक बंदे को 2,40,000 से ज्यादा है तो मुझे टीडीएस काटना है। नाउ 194IB में मंथली है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से ज्यादा होगा तो आपको टीडीएस काटना है। 194J में द लिमिट इज 30,000, नाउ दिस लिमिट इज 30,000 पर एनम पर पे पर सर्विस। अरे पर सर्विस क्या आ गया भाई, अगर मैं प्रोफेशनल फीस दे रहा हूं एक बंदे को और रॉयल्टी भी दे रहा हूं तो उसको प्रोफेशनल फीस के लिए भी 30,000 का लिमिट है और रॉयल्टी का भी 30,000 का लिमिट है, तो प्रोफेशनल फीस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस, सब पे 30,000 का अलग अलग लिमिट लग रहा है, पर डायरेक्टर्स फीस पे कोई लिमिट नहीं है। यानी एक कंपनी अपने डायरेक्टर को 2,000 रुपए का सिटिंग फीस भी देगा ना तो उस पर टीडीएस काटना पड़ जाएगा। देन वी कम टू 194LA 50 लाख, और अब ध्यान दो, दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर द लिमिट इज मोर देन इक्वल टू, इन ऑल द अदर सेक्शन द लिमिट इज मोर देन। अच्छा ये मैंने से गलती नहीं हुई कि इक्वल टू लगा दिया, नाउ यू नीड टू मेमोराइज, दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर द लिमिट इज मोर देन इक्वल टू। तो 50 लाख का भी अगर आपने पेमेंट करा तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। And this of course now has been changed to stamp duty value or payment whichever is higher. तो आपने payment 49 lakhs का करा पर stamp duty value 51 lakhs किया तो TDS कटेगा। 194LA में 2.5 लाख से ज्यादा है and 194C में it's works contract. So the limit is per contract. एक contract का अगर आप 30,000 से ज्यादा payment कर रहे हो तो TDS काटना है। तो लोग क्या करते थे, contract ही 30,000 का कर देते थे, हिंदुस्तानी दिमाग, it's always working over time. So then they put in a overall limit कि अगर साल में एक बंदे के साथ आपने पूरे साल में 1 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो उस पर भी टीडीएस आपको काटना पड़ जाएगा। इन केस ऑफ 195 देयर इज नो मिनिमम लिमिट, नॉन रेजिडेंट की इनकम अगर इंडिया में एसेसेबल है, कुछ भी है, टीडीएस काटना पड़ेगा। 194E में भी कोई लिमिट नहीं है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ भी आप दे रहे हो तो उसके ऊपर टीडीएस आपको काटना पड़ जाएगा। सो इफ वी जस्ट नाउ गो एंड इमीडिएटली Finally, look at the entire chart. It looks like this. अब इसमें एक फिल्टर जो मेन फिल्टर है, of course, TDS काटना किसको है वो हमने छोड़ा, but if you memorize this as per the tricks I've just taught you, make a sheet, एक पूरा A4 size paper लो, जो colors मैंने use करे उसके हिसाब से पहले इस sheet को याद करो और उस पर लिखते जाओ एक बार। एक बार ये load, data load हो गया, comment डालो and I will come up with the next video to put in the filter for pairs and to be able to solve some questions by seeing how your brain can correlate the data if it is loaded properly. So, chaliye, hope you enjoyed this. Till next time, bye bye, take care.